देखो दादी मंदिर साफ कर रही है। दादी स्माइल करना, हंसना हंसना क्यों हंसो तो फोटो खींचता हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं सिमी टेढ़ा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखते हैं, छोटी छोटी खुशियों में बहुत बड़ी खुशियां मिल जाती हैं हम लोगों को। आज मैंने डिसाइड किया भाई किचन साफ करने का। वो किचन जब साफ हो जाएगा तो उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। वैसे ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और देखो ये हमारे बंदर साहब है, ये मुझसे पहले ही नहा चुके हैं, है ना? से हेलो टू ऑल। हेलो, ये नहाने के बाद भी सो रहे हैं। और ये देखो, ये हो रखी है इस वक्त किचन की हालत। अभी मैं सारे डब्बे वब्बे निकालूंगी और उसके बाद मैं सबको सजेस्ट करती हूँ प्लीज़ कोई भी डीको ना कराए। ये देखो, मैंने डीको कराई थी और इतना गंदा हाल मचाया है इस डीको ने, मतलब लिटरली कितना भी क्लीन कर लो। ये देखो नीचे के डेली क्लीन होते हैं उसके बाद भी ये हाल है, और ऊपर के हफ्ते में क्लीन होते हैं उसके बाद भी ये हाल है। तो ये जो येलोइश जाता है ना ऊपर, भाई उसको बिल्कुल ना कराए, डीको ना कराए मतलब। तो दिखाऊंगी आपको क्लीन होने के बाद कि कैसा लगता है मेरा किचन। बहुत काम है आज के लिए, मेरे प्रेस वाला गया हुआ है गांव। तो ये देखो इतने सारे कपड़े हैं, इनको प्रेस करना है। मेरा बेटा है जो हमेशा छुपा रहता है, और ये हमने बना लिया है। आज काम कर करके हो चुकी है हालत खराब। ये बनाया पता नहीं क्या, पूरे टाइम मैच चलता रहता है बस, और कुछ नहीं। लड्डू ये दे आओ, चलो लो ना प्लीज। ऊपर छत पे भैया मंगा रहे हैं, जाओ लेबर वर्क करिए, जाओ दे। तो जैसे आप देख चुके हो कि मैंने आपसे बोला था कि किचन क्लीन करने के बाद आपको दिखाऊंगी, किचन को क्लीन किया है, बहुत सही तरीके से क्लीन किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इनको इतना ज़्यादा क्लीन करने के बाद भी है ना, इनमें थोड़ा सा पीलापन है। तो ये पीलापन क्यों है? क्योंकि ये करवा रखी है डीको। आप कभी भी प्लीज़ डीको ना कराएं अगर अपने घर का रिन्यूएशन या अपने घर को आप बनाने जा रहे हैं। ये सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कभी भी जो है ना, कभी भी ये 100% क्लीन नहीं हो पाती, या फिर आपको एवरी डे क्लीन करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट सेकेंड टू थर्ड डे क्लीन करना होता है। और घर पर जैसे खाना ज़्यादा बनता है, मेम्बर हैं, तो देखो जहाँ पर चिमनी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो लाइक बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ इसको ट्राई कर करके, बट मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि ना करें, है ना? तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, डीको बेस्ट है, लेकिन ये डेली यूज़ के लिए बेस्ट नहीं है। तो ये आज मैंने आपको बताया था कि हमने अपना किचन क्लीन करा और थोड़ी बहुत सफाई करी, और अब हम जा रहे हैं इनसे मिलाने। ये आए हैं अभी, ये जाएंगे अपनी अकेडमी, है ना? थक गए? चलो मैं इनको पानी वानी नाश्ता देती हूँ, फिर इन्होंने जाना है कहीं। तो भाई दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वापस घर पे। रूडी ने भी दवाई ले रहा है, रूडी उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। किशु भैया खा रहे हैं खाना, रात के बज रहे हैं 10। मम्मा गई हैं बाहर, अभी आएंगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि हमारी दीदी उनको बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग गई है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मम्मी बाहर गई है, मम्मी बाहर गई हैं क्योंकि हमारी दीदी हैं जिनको चोट लग गई, कल बहुत बुरी आंधी आई थी आपके यहाँ आई है या नहीं पता नहीं, आप प्लीज़ बताना कमेंट करके। तो यहाँ दुबई दिल्ली में बहुत ही गंदी वाली आंधी आई, इतनी गंदी आंधी आई कि कई लोगों के लिए इवन न्यूज़ में भी आ रहा है कि कहते हैं ना कि बहुत ही गंदा तूफान आया, और उस तूफान में हमारी दीदी को बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। आई होप कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। वो सिर्फ छत पे ये देखने गई थी कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो किसी को लग जाए उड़कर हवा में, और वो गई थी दूसरों की सेफ्टी के लिए, उल्टा उन्हें ही चोट लग गई किसी साइड वाली छत पे से आकर, उनके ऊपर जो है एक टीन गिर गया। तो कभी भी भाई आंधी तूफान आए तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अब बस हमें उन्हीं की टेंशन है, हम प्रे करते हैं कि वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। आप भी प्लीज़ उनके लिए प्रे करिएगा कि बहुत जल्दी से वो अच्छी हो जाए। तो आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।